आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रशिक्षण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षण के बारे में बताया था, अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रशिक्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। यानी कि हम जो किसी कार्य के लिए हम प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो हमारा प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण भी हमारा एक कौशल के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कौशल क्या होता है, यानी कि किसी कार्य में दक्षता हासिल करना। तो प्रशिक्षण भी उसी श्रेणी में आता है, हम उस कार्य को अच्छे ढंग से संपादित करने का कौशल अर्जित करते हैं, जिसके लिए, यानी कि अगर हम देखें सिंपल भाषा में प्रशिक्षण का अर्थ तो प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी कार्य को संपादित करने के लिए उस कौशल का प्रयोग करते हैं जिसके लिए हम सीख रहे हैं। यानी कि जो कार्य किसी कार्य को करने के लिए कौशल हासिल करना। अर्थात हम देखें कि हमें किसी कार्य को किस तरीके से संपादित करना है। कहते हैं कि हमें कार्य करने के ढंग को सीखने को हम प्रशिक्षण कहते हैं, कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उस कार्य को हम किस तरीके से संचालित कर सकते हैं, या हम कहें कि उसे किस ढंग से हम संचालित करेंगे, उसे संपादित करेंगे, हमारा क्या क्रम कहेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शिक्षण व प्रशिक्षण एक अनुदेशन होता है, एक अनुदेशन प्रक्रिया है हमारी, अनुदेशन। तो कहते हैं कि प्रशिक्षण भी हमारी अनुदेशन प्रक्रिया। अनुदेशन का मतलब क्रम से हमें सीखना, कि हमें उस अनुदेशन प्रक्रिया को जो हम सीख रहे हैं उसे हम किस तरीके से हमारे प्रयोग में ले रहे हैं। अनुदेशन यानी कि हम उस चीज़ का किस तरह से अनुसरण करते हैं। शिक्षण में भी हमने यही देखा है कि शिक्षण में हमें शिक्षक के द्वारा वो चीज़ सिखाई जाती है। अब प्रशिक्षण में कहते हैं कि हमें जो चीज़ शिक्षक के द्वारा सीखी गई है वह हम अपना एक क्षेत्रों का चयन करते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में सीखना है, तो हम उसी क्षेत्र में आगे जाते हैं और उसी क्षेत्र की हम ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो शिक्षण में हमने अनुदेशन किया है उसका अनुदेशन का हमारा एक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उसका हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें अनुदेशन में ये सिखाया जाता है कि हमें उस कार्य को किस तरीके से करना है, यानी कि पूरी तरह से उस कार्य में हमें कौशलता हासिल करना। तो हम कहेंगे कि प्रशिक्षण होता है कि हम किस तरीके से उस कार्य को करते हैं, यानी किसी कार्य को जो हमें जिस कार्य की आवश्यकता है उस कार्य को हम किस तरह से संपादित करते हैं, ये हमारा एक कौशल है, ये हमारी एक निपुणता होती है। हम उस चीज़ के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि हमें वो कार्य किस तरह से करना है। प्रशिक्षण का मतलब जिस चीज़ के बारे में जो पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, मीन्स पहले से हमें पारंगता हासिल करना, यानी प्रशिक्षण, हम ट्रेनिंग लेते हैं उस चीज़ के बारे में। कहते हैं कि हम जो टीचर बनने आते हैं तो टीचर के लिए हम क्या करते हैं, बीएड, और बीएड हमारा ट्रेनिंग सेंटर क्यों होता है, क्योंकि वो जो सारे गुण जो शिक्षक में होते हैं, जो कार्य सारे शिक्षक करते हैं, उस कार्य का प्रशिक्षण हमें यहाँ पर करवाया जाता है। हमें पहले उस कार्य को बता दिया जाता है कि आखिरकार हमें ये कार्य किस तरह से करना है। तो प्रशिक्षण में वही चीज़ आती है कि हमें किस तरीके से उस कार्य को करना है, किस तरीके से हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें निरंतर उस क्रिया को करते रहना है। कहते हैं कि हमारा प्रशिक्षण ऐसी क्रिया होती है जो हमेशा चलती रहती है। क्यों चलती है, यदि हमारा हमेशा प्रशिक्षण ही, शिक्षण तो हम सीखते हैं जो हमारे काम लेता है, लेकिन प्रशिक्षण को हम उसको आजीवन कार्य में लेते रहते हैं। प्रशिक्षण ही है, अगर हम टीचर बनने के यहाँ पर क्रिया करेंगे, टीचर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो कब काम आएगा, हम टीचर बन जाएंगे, यानी कि वो कार्य हमें जो हमने सीखा है यहाँ प्रशिक्षण में वो हमें आजीवन तक हमारा वो चलता ही रहता है, क्योंकि प्रशिक्षण हम लेते उसी क्षेत्र में है जो कि हमारा निरंतर चलता
रहे। इसीलिए कहते हैं कि प्रशिक्षण हमेशा चलने वाला है जो हमारे जीवन में हमारे काम आता है। तो इसी चीज में मैं आगे बढ़ते कहूंगी कि पूर्णतः शिक्षण का अर्थ होता है पूर्णतः हमें उस चीज को सीखना, सीख से किस तरीके से ये हमें कौशलता हासिल हो जाती है कि हमें किस तरह से वो कार्य करना है। अब आगे मैं प्रशिक्षण की आपको परिभाषा बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली परिभाषा है हमारे डेविस के अनुसार, जो पहली परिभाषा है डेविस के अनुसार कि तथ्यों नियमों, यानी कि हम जिस शिक्षण में, यानी कि प्रशिक्षण किस में करते हैं, शिक्षण में, शिक्षा के अंदर, यानी कि शिक्षा के तथ्यों नियमों प्रवृत्तियों के किसी संगठित संस्था की जानकारी के विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सके वो क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। यानी कि हम जब कोई घटना हमारे सामने आती है हम उस घटना के बारे में सीखते हैं। हम ये कहें कि डॉक्टर जब डॉक्टर क्यों डॉक्टरी करता है, क्योंकि वो प्रशिक्षण ले उस चीज़ के बारे में सीख रहा है, उस तथ्य के बारे में, उस फैक्टेड चीज़ के बारे में वो पढ़ता हुआ आ रहा है। तो कहते हैं कि जब हम किसी नियमों को मानते हैं, किस विधियों को मानते हैं या हम तथ्य को मानते हैं, तो वो क्या करती है, उसकी जानकारी हमें कौन देता है, एक संगठित संस्था। कहते हैं प्रशिक्षण भी हम किसी संस्था के द्वारा ही तो लेते हैं, किसी महाविद्यालय के नहीं, अर्थात हम किसी ट्रेनिंग सेंटर से हम प्रशिक्षण लेते हैं। हम कहते हैं कि एक अगर एक जो एक कहते हैं कि ड्राइवर होता है वो भी अपना प्रशिक्षण लेता है कार चलाने का, वो किसी मोटर कार की एजेंसी के द्वारा अपना जो ड्राइविंग करना सीखता है तो वो भी उसका एक प्रशिक्षण है। हम कहते हैं कि हम हस्त कौशल सीखते हैं तो हम हस्त कौशल के सेंटर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर हम उस कार्य को सीखते हैं। हम कहते हैं विभिन्न छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। एक सिंपल हम कहें कि अगर हम एक मेहंदी डिज़ाइन करना सीखते हैं तो हम कोई मेहंदी जो भी अपना संस्था सिखाती है हम वो ज्वाइन करते हैं जाके, और हम वहाँ पर प्रशिक्षित होते हैं और उसके बारे में पूरी तरह सीखते हैं। एक तरीके से हमें उस चीज़ का प्रशिक्षण मिलता है, उस कार्य को किस तरीके से करना है ये हमें सिखाया जाता है। प्रशिक्षण में हमें किस तरीके से कार्य करना है, किस समय तक करना है, किस तरीके से करना है, ये हमें पूरा उसमें सिखाया जाता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा कि एक तरीके से वो पूरा परिभाषित कर देता है, समझा देता है कि ये कार्य हमें किस तरीके से करना है। सेकंड है हमारी बनाड के अनुसार, उन्होंने कहा है शिक्षा के प्रवर्तन और विकास की विचारधाराओं से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। प्रवर्तन हमारे शिक्षा के जो प्रवर्तन, नए नए प्रवर्तन दार्शनिक जो हुए, हमारे हमारे क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाले हुए, प्रवर्तन विचारक हुए, जो हमारे कहते हैं शिक्षा दर्शन ले लो, हमारे वैज्ञानिक दर्शन ले लो, सभी क्षेत्र के प्रवर्तन, शिक्षा के प्रवर्तन और विकास की विचारधाराओं से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शास्त्र से भी और विज्ञान के क्षेत्र से भी दोनों से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम कहें कि शिक्षा हम आध्यात्मिक भी लेते हैं, हम व्यवहारिक भी लेते हैं, हम वैज्ञानिक भी लेते हैं, अर्थात हम शिक्षा को तीनों नज़रों से देखते हैं। तो हम उसी क्षेत्र में हम प्रशिक्षण भी लेते हैं कि हमें उन तीनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया कि प्रशिक्षण हम कहाँ लेते हैं, जहाँ शिक्षा के प्रवर्तन और विकास की विचारधाराओं से घनिष्ठ संबंध होता है, वो मान जाते हैं कि इन दोनों में हाँ घनिष्ठ संबंध है। तो कहते हैं इस चीज़ को हम मानते हैं कि प्रशिक्षण का इन सबसे घनिष्ठ संबंध होता है। सेकंड अगर कहें हम इसमें, फिर इसमें कहा गया कि व्यक्ति में प्रवर्त परिवर्तन की प्रकृति और दिशा निर्देशित करता है। यानी किस तरीके से हमें किस प्रकार कहते हैं किस दिशा में चलना है ये हमें पता चलता है। ये हम किसके द्वारा, जो प्रवृत्त परिवर्तन होते हैं, हमारे जो विचारक होते हैं उनके परिवर्तन, उनके नेचर के कारण हम उसमें एक दिशा निर्देश करते हैं कि हमें किस तरीके से वो कार्य करना है, किस तरीके से हमें उसको आगे बढ़ाना है, ये चीज़ हमें इस हमारी इसमें दिशा निर्देशित हो जाती है। अब है हमारा इसमें, अब कहें हम इसको कहा जाता है कि जो हमारा प्रशिक्षण होता है, हम जहाँ प्रशिक्षण को परिभाषा के माध्यम से देखे हैं, अब हम कहते हैं कि जो उपयुक्त हमारी जो सारी परिभाषाएं हैं वो हमारी एक ही चीज़ दिशा निर्देशित करती हैं, एक ही चीज़ को हमारी निर्देश करती है इसमें कि ये प्रशिक्षण एक, अगर हम इस चीज़ के लिए कहें संपूर्ण पूरी परिभाषा के आधार पर कि ये कहता क्या है, तो इसमें कहते हैं कि हमारा प्रशिक्षण एक ऐसी सुव्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित विधि है
विधि है जिसके द्वारा कौन करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्यों के लिए ज्ञान अर्जित करता है, तथा उससे संबंधित ज्ञान व कौशल हासिल करता है। यानी कि जो चीज वो सीखना चाहता है, कहते हैं कि ये विधि होती है प्रशिक्षण कि हमें किस तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना है, ये ज्ञान हमें सिखाता है, उससे हम अर्जित करते हैं उन चीजों को और फिर हम उसी में कौशलता हासिल करते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा जब प्रथम बार जब यहाँ पर जब ट्रेनिंग सेंटर में बीएड में आएगा तो उसे जब हम फर्स्ट टाइम हम ये कहेंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना है, तो हमने देखा है कि जब वो बच्चा शुरू में खड़ा होगा पढ़ाने के लिए तो वो बहुत सारी गलतियां करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो उस चीज को सीखता जाएगा या फिर हम कहें कि डेली वो जब पढ़ाएगा या उसको ट्रेनिंग लेगा, उसको पढ़ाने की कोशिश करेगा, डेली उसको प्रयोग में लेगा या कहीं गलती भी टीचर उसे समझाएगा प्रशिक्षित, क्योंकि टीचर ही तो उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं, जब वो उस चीज के बारे में प्रशिक्षण ले लेगा तो जो उसने प्रथम बार गलती करी वो एंड में उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस चीज में हम बताएंगे कि जो बच्चा पहले पढ़ रहा था, पहले जो गलती हो रही थी वो हमारे लास्ट में नहीं होती है। तो ये कहा जाता है कि ये हमारा जो प्रशिक्षण है वो ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम जिस कार्य को करना सीख रहे हैं वो कार्य करना हमें पूर्णतः आ जाता है, तो हम उसमें पारंगता हासिल कर लेते हैं, हम प्रशिक्षित हो जाते हैं। तो यही प्रशिक्षण का सबसे मेन उद्देश्य होता है। और हम इस परिभाषा अर्थ में हम यही देखेंगे कि ये हमारी एक सुव्यवस्थित विधि हो रही होती है कार्यों को संपादित करने का, कि हमें किस तरह से उस कार्य को करना है या कार्य करना हमें सिखाया जाता है। अब आती है हमारी इसकी विशेषताएं कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब विशेषताएं हम देखें तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो हमारा प्रशिक्षण होता है उसे हम कहते हैं कि प्रशिक्षण हमारी एक नियोजित प्रक्रिया होती है, जिसे कि हम पहले से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से इस कार्य को करना है। हम देखते हैं कि जो हमारी बीएड का ट्रेनिंग का हम देखते हैं कि हमारी पूर्व क्रियाएं निर्धारित होती हैं कि हमें किस तरीके से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है। तो कहते हैं कि जो हमारे प्रशिक्षण में होता है, प्रशिक्षण में हमारी शिक्षण की यानी प्रशिक्षण जिस विषय के बारे में हम दे रहे हैं वो क्रियाएं हम नियोजित कर लेते हैं, उन्हें बना लेते हैं कि हमें किस तरीके से छात्र को प्रशिक्षित करना है। सेकंड है निरंतर, अर्थात हम मैंने पहले बताई थी कि जो हमारी प्रशिक्षण है वो हमारे जीवन में निरंतर चलने वाली है, क्योंकि जो चीज़ हमने सीखी है, जो चीज़ हम सीख रहे हैं प्रशिक्षण लेते ही इसलिए हैं जिसका हम निरंतर हमारे जीवन में प्रयोग करें, यानी कि हम देखें कि हम उसे कहाँ तक प्रयोग में लेते हैं। कहते हैं प्रशिक्षण हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाता है वो हमारे साथ आजीवन तक चलता रहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम हमारा कार्य करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान जो तो हम हासिल करते हैं बाहर से, शिक्षण हमारा एक समय होता है, लेकिन प्रशिक्षण हासिल करने का एक टाइम होता है लेकिन उसका प्रयोग करना हमारे जीवन में चलता रहता है। कहते हैं जब हम उसे ग्रहण करते हैं, सीखने के लिए समय स्थाई होता है। हम कहते हैं कि हम 2 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, 6 महीने की कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, 3 साल का कर सकते हैं, 4 साल का कर सकते हैं। अर्थात जब हम प्रशिक्षण लेंगे तो प्रशिक्षण के लेने के लिए हमारे पास एक समय
समय निर्धारित होगा, लेकिन उसका प्रयोग करना कि हम उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं ये हम आजीवन कर सकते हैं। कहते हैं प्रशिक्षण लेने का समय होता है, लेकिन उसे कार्य में लेने के लिए, प्रयोग में लेने के लिए कोई समय नहीं होता, वो हमारे साथ निरंतर चलता रहता है। आगे की प्रक्रिया है इसमें सीखने की क्रिया। कि प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया होती है, प्रशिक्षण कहते हैं कि प्रशिक्षण हमारी सीखने की क्रिया है, जो कि हम निरंतर, अभी मैंने बताया कि हम सीखने के लिए हमारा एक समय निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है सीखने के लिए। प्रशिक्षण का हमारा समय निर्धारित होता है कि हम कब तक उस ट्रेनिंग लेते हैं, कब तक हम सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं। अब इसमें बताया है नेक्स्ट पॉइंट सभी स्तर के लिए। कहते हैं कि प्रशिक्षण प्रत्येक स्तर के लिए काम में आता है, चाहे वो किसी भी स्तर के हो। हम कहते हैं कि सबसे उच्च स्तर के भी, यानी कि उच्च कर्मचारी जो हम कहते हैं, उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए भी होता है, मध्यम के लिए भी होता है और निम्न स्तर के लिए भी होता है। यानी हम देखें, हम कहें कि गजेटेड ऑफिसर के लिए प्रशिक्षण, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे सीआई या आईएएस की आईएएस का प्रशिक्षण लेते हैं, उस स्तर में हम कर्मचारी का चयन होता है, तो भी एक आरएस और आईएएस भी अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण लेता है, उसके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। और एक मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम श्रेणी वाले जो होते हैं, कहते हैं मध्यम स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, हम ये कहें किसी टीचर के लिए, डॉक्टर के लिए, या हम कहें कि हमें कहते हैं छोटे से हम क्लर्क के लिए भी कहें, तो उसके लिए भी हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निम्न स्तर के लिए हम कहें, चाहे चपरासी हो, चाहे हम कुछ किसी भी निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो कहा जाता है कि जो प्रशिक्षण होता है वो सभी स्तर के लिए आवश्यक होता है, चाहे उसे प्रशिक्षण ज्वाइन करने के बाद मिले या ज्वाइन करने से मिले, प्रशिक्षण की हमेशा हमेशा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में जो है कार्य कुशलता में वृद्धि, यानी कि कहते हैं कि हम जो कार्य में जो ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि, कि हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, कहते हैं कि धीरे धीरे जिस चीज़ के लिए हम ज्ञान ले रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, उसके लिए हमारे ज्ञान में क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है। हम उसमें अच्छी तरीके से और आगे क्या करना है या उसमें क्या बदलाव करना है, किस तरीके से संपादित करना है, ये सब चीज़ हमारी उसमें बढ़ने लगती है। और योग्यता, जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं, तो हमारी योग्यता भी बढ़ती हुई चली जाती है, यानी सीखने की योग्यता भी बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसमें हमारे ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य कुशलता में वृद्धि। जब हम प्रशिक्षित होंगे तो हमारे ऑब्वियसली हमारे कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। क्यों होगी हमारे कार्य कुशलता में वृद्धि? क्योंकि जब हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो प्रशिक्षण में हम कर क्या रहे हैं, उस कार्य को करने का ढंग ही तो सीख रहे हैं। तो अगर हम सीखते हैं, कार्य कुशलता अर्जित होती है कि उस कार्य को और अच्छे से हम किस तरह से कर सकते हैं, तो कार्य करने का अच्छा ढंग हमें प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, जो हमें कुशलता, हमारी कौशलता हासिल होती है, हमें निपुणता, तो वो हमारे कार्य कुशलता में आती है कि हमें किस तरीके से हमें इस कार्य में जो हम कार्य करना चाह रहे हैं उसमें हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो ज्ञान कार्य कुशलता में आता है। चिंतन शैली में बदलाव, यानी कि हम एक तरीके से कहते हैं कि जब हम प्रशिक्षित होते हैं तब उसके बारे में बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, या हमें उसमें सोचने में मजबूर करवाते हैं प्रशिक्षण देने वाले, तो कहते हैं कि हमारी चिंतन शैली में भी बदलाव आता है। जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा नहीं, उस कार्य को जब हम करने लग जाते हैं, तो उस कार्य को और कितना अच्छा हम कर सकते हैं, ये हमारा प्रशिक्षण हमें सिखा देता है। यानी कि और कार्य को और अच्छे से अच्छा करने के लिए हम चिंतन करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। इसके लिए हम कहें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं चिंतन शैली में हमारा होता कैसे, हम कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम संस्था में आते हैं, ठीक है। जब तक हम जिस संस्था से जुड़ते हैं, तो हम जिस दिन जिस संस्था से जुड़ते हैं, कहते हैं कि एक बच्चा जब ट्रेनिंग सेंटर में अपना एडमिशन लेने आता है, तो वो कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में उसे नॉलेज नहीं होती है कि वो प्रशिक्षण किस तरीके, शिक्षण तो हम करके आते हैं, लेकिन प्रशिक्षण किस तरीके से करवाते हैं ये हमें आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले हम कहें कार्य कुशलता चिंतन हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम किससे जुड़ते हैं, संस्था से।
कर्मचारियों से जुड़ेंगे, कर्मचारी से कौन कौन जुड़ेगा, हमारे छात्र जुड़ेंगे। क्या हम ये कैसे कह सकते हैं कि शिक्षक और छात्र भी जुड़ेंगे। कर्मचारी अगर हम अपने बीएड पार्ट में देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं, इनका नाम लिख सकते हैं हमारे शिक्षक, यानी कि हम शिक्षक से जुड़ेंगे। फिर शिक्षक हमें क्या देंगे, इसके बारे में प्रशिक्षण देंगे। और जब प्रशिक्षण हमें प्राप्त होगा तो प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद हमारे साथ क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जितना हमने सीखा है उससे ज्यादा हम उसको और भी जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञान में वृद्धि होगी तो साथ में हमारे मनोबल में भी वृद्धि होगी। कहते हैं कि जब हम प्रशिक्षण लेते हैं और शिक्षण हम पूरी तरह से जिस चीज के बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं तो उससे हमारे ज्ञान के साथ साथ हमारे मनोबल में भी वृद्धि होती है। ये जब हम किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं तो हमारा मनोबल स्वतः ही बढ़ जाता है, क्योंकि उस चीज के बारे में हम 100% श्योर हो जाते हैं, हम उस चीज के बारे में जानने लगते हैं, तो इससे हमारे मनोबल में भी वृद्धि होती है। अगर मनोबल में वृद्धि होगी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि होगी और मनोबल में भी वृद्धि होगी, तो फिर क्या होगा, हमारा कार्य क्षमता में विकास होगा। कार्य क्षमता में विकास यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी कर्मचारी संस्थापक है उनके सभी के कार्य में कार्य क्षमता में विकास होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम इस चीज के बारे में जान लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, मनोबल हमारा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली हमारा कार्य क्षमता, जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है वो हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा हमारे कार्य क्षमता में विकास हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें कार्य कुशलता में वृद्धि के बारे में बताया गया कि किस तरीके से हमारी कार्य कुशलता में हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे किस तरह से हमारा इसमें विकास होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि जब हम एक फ्रेश स्टूडेंट आता है तो वो किससे जुड़ता है, हमारा संस्था से। संस्था के बाद में हमें वहाँ के कर्मचारी या हम कहें शिक्षक के द्वारा हमें क्या शुरू हो जाता है, हमारा प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। और जब प्रशिक्षण हम वहाँ से लेने लग जाते हैं तो प्रशिक्षण के साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होने लगती है, साथ में हमारे मनोबल में भी वृद्धि होती है। और मनोबल में और ज्ञान में वृद्धि होने के बाद में हमारे कार्य कुशलता में भी विकास होने लगता है। तो ये है, ये चीज़ बताई गई है कि कार्य कुशलता में किस तरीके से प्रशिक्षण में, किस स्टेप से प्रशिक्षण में पूर्ति होती है। फिर हमारा अभिरुचि, कि ये कहते हैं कि जहाँ शिक्षण, हमने कहा था पहले भी, ज्ञान में हम कहते हैं कि रुचि पहले से जागृत होती है, हम उस कार्य को देख लेते तो उसके बारे में ज्ञान अर्जित करने लगते हैं, लेकिन शिक्षण और प्रशिक्षण ऐसा होता है जिसमें अभिरुचि जागृत की जाती है स्टूडेंट की, कि किस तरीके से उन्हें ये कार्य करना है। नेक्स्ट इसमें है संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति, कि जो हमारी संस्था जो नियम जो बनाती है, जो संगठनात्मक लक्ष्य बनाती है, जैसे हम कह दें कि हमें यहाँ जो हमारे बीएड पाठ्यक्रम में हमारा लक्ष्य होता है या हमारी संस्था का लक्ष्य होता है, या कहते हैं हमारे ये चीज़ें नियम होती है कि हम एक अच्छा शिक्षक, कहते हैं भावी अच्छा शिक्षक बनाकर भेजें, जिससे कि हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य होता है कि बच्चे शिक्षक बनने के लिए पूरे गुण उन शिक्षक के, अच्छे शिक्षक के गुण आने चाहिए। तो एक लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों की हम पूर्ति करते हैं। फिर है सकारात्मक वातावरण, यानी कि जब तक हम सोच, कहते हैं कि हमारी सोच अगर सकारात्मक नहीं होती है या हमें सकारात्मक वातावरण नहीं मिलता है तो हमारा ज्ञान सबसे पहले अधूरा होता है। यानी कि हमें हमारी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम प्रशिक्षण ले रहे हैं वो प्रशिक्षण हमारे लिए उपयोगी है। तो ऐसे सकारात्मक सोच के रखेंगे तभी हमारी प्रशिक्षण प्रभावी होगा। और उसके बाद में हम तकनीकी, कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान होना अनिवार्य होता है, तो हम प्रशिक्षण में भी हम तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, या कहीं हम तकनीकी ज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक प्रशिक्षण, जिसमें मैंने प्रशिक्षण का अर्थ बताया आपको, परिभाषा बताई है और विशेषताएँ बताई हैं। प्रशिक्षण का आगे का नेक्स्ट टॉपिक मैं आगे की वीडियो में लेके आऊँगी। धन्यवाद।